पाएंगे। क्रांति की श्रृंखला में फ्रांस की क्रांति कोई प्रथम क्रांति नहीं थी, परंतु प्रभावों की दृष्टि से देखा जाए तो इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा, न केवल फ्रांस में बल्कि संपूर्ण यूरोप में इस क्रांति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अब हम देखते हैं कि यूरोप के पश्चिम भाग में ये फ्रांस स्थित है, इसी में पेरिस के पूर्वी भाग में बास्टिल का एक दुर्ग था जिसको नष्ट करने से इस क्रांति का प्रारंभ हुआ। आप हम देखते हैं फ्रांसी क्रांति हुई क्यों, जबकि फ्रांस में व्यापार और व्यवसाय बहुत उन्नतिशील था, साहित्य और कला अत्यंत विकसित थी, फिर भी क्रांति हुई। कारण जनसाधारण वर्ग की दशा बहुत ही सोचनीय थी, कारण राजा बहुत ही निरंकुश थे, अयोग्य थे। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब लुई 16 और उनकी पत्नी रानी एंटोनेट जा रहे थे तो भूखी जनता उनके पीछे रोटी रोटी की मांग कर रहे थे, तो अज्ञान रानी ने कहा, अरे रोटी नहीं मिलती है तो केक क्यों नहीं ले लेते। जिस रानी और राजा को उनकी जनता की स्थिति का ज्ञान ना हो, जनता से कोई संपर्क ना हो, तो जनता में असंतोष होना स्वाभाविक है। इस तरह असंतोष क्रांति का मूल कारण था। अब हम देखते हैं कि यह क्रांति 1789 ईस्वी के बास्टिल की घटना से प्रारंभ हुई और 1815 को वाटरलू की युद्ध से समाप्त होती है। इसके पहले क्यों क्रांति हुई, इसके लिए उस समय के समाज को भी जानना बहुत आवश्यक था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कैसा था, तो हम देखते हैं कि 1774 में बूर्बो राजवंश के राजा शासन करते थे। इस समय क्रांति के कारण युद्धों में बहुत अधिक संसाधन में पैसे खराब हो चुके थे, शाही खर्च में कोई कमी नहीं थी, जो भी हम उससे राजकोष खाली हो रहा था। इसके साथ ही फ्रांस ने अमेरिका को मदद करने के लिए उसके 13 उपनिवेश को ब्रिटिश से स्वतंत्र कराया, जिसने उसका 1 अरब यूरो का उस पर कर्ज हो गया, साथ ही 2 अरब पूर्व ही उसके ऊपर कर्ज था, जिससे कर्जदाता सरकार से 10% की ब्याज से मांग कर रहे थे। अब खजाना खाली है तो पैसे कहाँ से हैं, कर्जदाता को कहाँ से दिया जाए, तो इसका सीधा सीधा लोगो राजा का था कि कर में वृद्धि कर दो। करों में वृद्धि से जीने के लिए जनसाधारण वैसे ही संघर्ष कर रहा था, करों में वृद्धि ने और भी उनको असहाय कर दिया। अब हम देखते हैं कि 1715 में जनसंख्या जो कि 2.3 करोड़ थी, वो बढ़कर 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। जनसंख्या वृद्धि मतलब अनाज का अभाव। जब अनाज कम पैदा होगा, जनसंख्या ज्यादा होगी, तो महंगाई अवश्य बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो जनता पर उसका बोझ बढ़ेगा, क्योंकि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही थी, वो अपना खर्च कहाँ से करें। इसके अलावा राजाओं की जो अन्याय थी, वो कर प्रणाली बहुत अन्यायपूर्ण थी, राजाओं की फिजूल खर्ची वो बढ़ती जा रही थी, साथ ही सूखे ओला प्रकोप की महामारी ने जनता को परेशान कर दिया। देखते हैं इन सब को देखते हैं क्रांति की शुरुआत में इस समय की जनरल के नियम लागू हो गए थे, जिसने राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया था। नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी गई थी, जिसमें कि प्रत्येक वर्ग को केवल एक ही मत दे सकते थे, इससे भी लोग परेशान थे। अब हम पूरे कारणों को देखते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की परेशानियां थी। राजनीतिक कारण में हम आते हैं तो देखते हैं दोषपूर्ण शासन। जिस समय लुई 16 सिंहासन पर बैठा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि जब लुई 1643 में फ्रांस पर बैठा, वो हमेशा ये कहता था, मैं ही कानून हूँ, मैं ही शासक हूँ। वो बहुत ही निरंकुश था, वो बहुत ही अत्याचारी था, फिजूलखर्ची शासक था। इसके बाद जब लुई 15 1715 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना, तो उसकी
आयु केवल 5 वर्ष की थी। उसका संरक्षक केवल अपने में ही व्यस्त था, उसे जनता से कोई मतलब नहीं था। इसी तरह जब लुई 1674 ईस्वी में फ्रांस के सिंहासन पर बैठा तो उसकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी। उसमें दृढ़ निश्चयता और राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था। इसके बाद देखते हैं सामाजिक कारण। समाज 3 भागों में विभक्त था, प्रथम पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेज में बड़े कर्मचारी, व्यापारी, आदाती, किसान, मजदूर आते थे। जहां तक सवाल है पादरी वर्ग का, ये शाही कर चर्च पर के विशेष व्यक्ति होते थे, इन्हें किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। द्वितीय स्टेज में कुलीन वर्ग आता था, इन्हें सामूहिक कर लेने का अधिकार था, कोई भी कर से इन्हें देना नहीं पड़ता था। इसी तरह तृतीय स्टेट इनको धार्मिक कर भी देना था और प्रत्यक्ष कर सामान्य कर इनको को देना पड़ता था। इस तरह हम देखते हैं कि आर्थिक कारणों में राजकोष रिक्त हो चुका था, जनता का आर्थिक शोषण हो रहा था और जो वर्ग कर दे सकता था वो कुछ वर्ग कर से मुक्त था और इस तरह बेगारी की समस्या थी। अब हम देखें दार्शनिकों का प्रभाव। फ्रांस के लोगों में रूसो, मॉन्टेस्क्यू तथा वोल्टेयर जैसे महान दार्शनिक और लेखकों के विचारों से भी प्रभावित होकर स्वतंत्रता की मांग करने लगते थे। रूसो फ्रांस का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी थी। इसी तरह मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉ पुस्तक लिखी थी। थैंक यू।